सामने आए और दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत। हमारे मनेर ब्लॉग्स के चैनल पे तो आज मनेर में होने वाला है, क्या होने वाला है ये बताएगा पूरा व्हाइट शर्ट में है, इसे पूछते हैं क्या। देखिए बताते हैं, देखिए बात ये है कि हमारे मनेर में जो नल जल योजना है हुआ, सड़क सुधार योजना हुआ, नाली का हो गया, ये विकास नहीं हो पा रहा है और इसी के लिए हम लोग ये कार्य होता है और इसमें अहम रोल होता है विधायक का, वार्ड पार्षद का, मुखिया का। ये लोग एक बार जीत जाते हैं और जीतने के बाद कोई काम नहीं होता है, केवल इन लोग का यही काम होता है अपना घर बनाइए, घर बनाइए। तो घर तुम करवा रहे हो क्योंकि मतलब घर इसलिए हो रहा है कि जाके नेता लोग अपना घर। हाँ, जागरूक करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए कि हाँ आप लोग भी बोलिए, एक से नहीं होगा युद्ध, एक से नहीं जीता जाता है। आज कौन सा दिन है? 23 मार्च है, तो इस दिन ये बताओ ना तुम बोलेगा। अब इसका बात बस सुनिएगा ध्यान से कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए 23 मार्च को हमारे भगत सिंह का वही शहीद हुए थे, तो कत्ल हुआ जी? नहीं, शहीद हुए थे, नहीं शहीद हुए थे और उन्हीं के उपरांत जो होता है कि हम लोग मनेर में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हम लोग सब लोग मिल के बड़े बुजुर्ग हर एक साल होता है, रन फॉर मनेर के नाम से होता है और हम तो कहें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुटिए और मनेर में क्रांति लाइए। एक से देखिए क्रांति एक से नहीं अनेकों से आता है, समझे ना। और युद्ध एक सैनिक से नहीं अनेकों सैनिक जीता जाता है। तो हमारे मनेर के जो मनेर नगर परिषद के जो चेयरमैन है और विधायक जो है और वार्ड पार्षद, अपने दिमाग खोलिए और मनेर को स्वच्छ और विकास के तरफ घुमाइए। विकास की बातें बाद में होगी, अभी ये जहाँ क्या हो रहा है वो पहले बात करते हैं। यहाँ यहाँ हो रहा है, अभी कार्यक्रम आयोजित होगा और हम लोग मनेर में दौड़ेंगे चारों तरफ दौड़ेंगे। मतलब कि दौड़ के थ्रू होता है ना, ये मैराथन किस लिए होता है? अच्छा, मैराथन हो रहा है जो यहाँ से स्टार्ट होगा महादेव स्थान तक, उसके बाद बस्ती के रूप से इधर आएंगे हम लोग। जी यही होगा। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको पता चल गया होगा तो ब्लॉग में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आगे बढ़िए। मेरे साथ मेरा वीरेन भी है जो हमेशा रहता है इस ब्लॉग में, और ये शिवम जो आज आ रहा है मेरे साथ। ये अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, अभी तैयारी सब दिखाते हैं आप लोग, अभी डेकोरेशन दिखाते हैं और पूरा तैयारी हो रहा है, वो भी दिखा भी लगा है। मैं पोस्टर आपको दिखा रहा हूँ, पीछे लगा हुआ है पोस्टर, मुझे पीछे सारा है, मैं अभी दिखा रहा हूँ, मैं आपको बने रहिएगा। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये भगत सिंह का स्मारक है जो बनाया गया था। तो ऐसे हमेशा साफ नहीं होता है, लेकिन जिस दिन का दिवस है उस दिन साफ किया गया है, सजाया गया है। तो चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, बढ़िया हुआ। और मैं बताता हूँ कि मनेर में अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा कि ये भगत सिंह का स्मारक है। सब फोटो खिंचाने के लिए आते जाते थे, नहीं कोई फोटो भी खिंचाने नहीं आता था यहाँ पे, मतलब कि इनको पता भी नहीं होगा कि ये भगत सिंह का स्मारक है। तो आज पहली बार मेरे वीडियो के थ्रू देखेंगे, तो उसके वजह से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। थाना यहाँ पर हमारे भगत सिंह जी के जब क्या उनको फांसी लगी थी, उसके बाद से इनका याद में यहाँ पे बना गया ये स्मारक है। यहाँ पे बहुत दिन से बना हुआ है, पर हमेशा सजावट वगैरह नहीं होता है, पर आज हुआ है। बहुत ज्यादा दिखा दिए कैमरे में से, कहूँगा की दिखा दे बस सजावट अच्छे से बस। विधिवत शुरुआत अब हो ही रही है। मनेर के भगत सिंह, भारी भगत सिंह, आप लोग पीछे चले जाइए, कर दी जाए और एक कैंची भी काटने के लिए रख लिया जाए। विधिवत शुरुआत करेंगे और अन्य गणमान्य जो आए हुए हैं शिक्षा जगत से, वो लोग भी मिलकर इस कार्यक्रम का साथ में विधिवत शुरुआत करेंगे और इस रन फॉर मनेर ऐतिहासिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
बैठ गई है, आपको विद्यार्थी बैठ गई है, सामने आए और दीप प्रज्वलन करें और इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। दीपक सामने से फोटो लीजिए, एकदम सामने आ जाइए, सामने से लीजिए फोटो। इस दीप प्रज्वलन के साथ तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए, आपके तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ये कार्यक्रम बहुत रूप से प्रारंभ हो गया है और दीप प्रज्वलन के काम, लैंप लाइटिंग के काम अब संपन्न हो रहा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।